नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। करते हैं सुबह की शुरुआत NBCN की खबरों के साथ। जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। खराब मौसम और जम्मू के श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से अमरनाथ यात्रा को की गई रोक। लैंडस्लाइड से जम्मू कश्मीर हाईवे हुआ बंद। पश्चिम बंगाल SSC घोटाला पार्थ चटर्जी को कोर्ट के सामने ही करेगी आज पेश। पश्चिम बंगाल में निरंतर ED की रेड जारी, कई लोगों की हो सकती है गिरफ्तारी। दिल्ली में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के खुलेंगे 50 सेंटर, 4 महीने का होगा कोर्स, केजरीवाल का बयान। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी को की करीबी, अर्पिता मुखर्जी भी हुई हिरासत में। ED की लगातार शुरू है कार्रवाई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,411 नए मामले, तो वहीं 87 हुए नए संक्रमित। भरतपुर में अवैध माइनिंग के खिलाफ आत्मदाह करने वाले साधु की इलाज के दौरान हुई मौत। राजस्थान में 2 साल बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, CM गहलोत ने दी हरी झंडी। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बनाए 308 रन, धवन ने खेली 97 रनों की पारी। महंगाई, GST, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा फिर हुई ठप, भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच हुआ प्रश्नकाल। 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड की हुई घोषणा, तानाजी द अनसन वॉरियर के लिए अजय देवगन और साउथ स्टार सूर्या को सुरा रही पोर्ट्रो के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड।